सलमान खान की कॉपी मिल जाएगी आपको, असलम चिकन की पूरे वर्ल्ड में कॉपी नहीं मिलेगी। हेलो एवरीवन, फूड मेरी दिल्ली में, मैं प्रियंका वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप सभी के चैनल में फूड मेरी दिल्ली में। आज मैं खड़ी हुई हूँ जामा मस्जिद मटिया महल और आज हम वर्ल्ड फेमस शॉप असलम चिकन खड़े हुए हैं और हम बटर चिकन है जो उनका काफी ज्यादा फेमस है, तो आज हम उनका बटर चिकन और चिकन कबाब ट्राई करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए मेरे साथ। राशिद असलम चिकन हो गए मैडम 23-24 साल हो गए। तो आपको आइडिया कैसे आया कि आपको मतलब ऐसे यूनिक कंसेप्ट पे बटर चिकन बनाने का? लंबाई तो है नहीं, मैं ही बता देता हूँ थोड़ा। पहले क्या होता था, पहले हमारा यहाँ छोटा सा एक ठेला लगता था, मीट की दुकान हुआ करती थी। असलम भाई खुद खड़े होकर वहाँ पे बनाते थे और जो असलम भाई के मसाले वो उनके सीक्रेट है, वो मसाले उनके डैडी ने और उनके दादा ने उनको बताए हुए, वो किसी को बताते नहीं, उनके सीक्रेट मसाले हैं। धीरे 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 उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, दूर दूर से कस्टमर आते थे, वो चाहते थे कस्टमर को फुल मजा आना चाहिए, वो एक बार खा के जाए और 10 को लेके आए। जो बंदा एक बार आता है वो 10 को लेके आए, पैर रखने की जगह नहीं होती यहाँ पे। तो वाकई में काफी खुशी की बात है कि आज मतलब कैसे स्ट्रगल करके आज उन्होंने इतनी बड़ी शॉप यहाँ पे जामा मस्जिद में और बहुत सलमान खान की कॉपी मिल जाएगी आपको, असलम चिकन की पूरे वर्ल्ड में कॉपी नहीं मिलेगी। अरे वाह, मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ उसकी तारीफ सुनके। अब हमारा यहाँ पे फेमस इनका बटर चिकन लगने के लिए जा रहा है और इसके ऊपर आप क्या डाल रहे हैं? ये क्रीम। अरे वाह, अमूल का अमूल का बटर, ओह कितनी बढ़िया क्वांटिटी में उन्होंने डाला है। देखिए ये बटर चिकन आपने नॉर्मल ग्रेवी वाला जरूर खाया होगा, बट ये बटर चिकन काफ़ी अलग तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए अब हम इसे भी टेस्ट करते हैं और मैं अब आपको बताती हूँ इनका टेस्ट कैसा है। मैं बनारस से आया हूं स्पेशल यहां असलम चिकन में बटर चिकन खाने, क्योंकि बर्ड फेमस है यहां का। अब मेरे साथ असलम जी भी हैं साथ में, तो अब हम टेस्ट करते हैं और थोड़ी बातें भी करते हैं कि इनका बटर चिकन कैसे अलग है बाकी बटर चिकन से। सबसे पहले तो ये है मैम, ये सबसे पहले अल्लाह का करम है, ये मेरा खानदानी काम है, ये जो है मेरे बाप दादा सब ये करके गए, अब वो मुझे बता गए हुनर। पूरी इंडिया में चैलेंज है कि ऐसा चिकन नहीं बना सकता कोई असलम भाई जैसा। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे तो बाकी बटर चिकन जो वो रेड कलर या ऑरेंज कलर वाले होते हैं, तो ये आपके पास आइडिया कैसे आया कि ये क्रीमी बटर चिकन आप बनाए? ये सारा आइडिया हमारा अल्लाह का है और अल्लाह ने हाथ में हमें शिफा दे रखी है, जो भी चीज पे डालेंगे ना अल्लाह का करम ही होगा। और ये खुद के मसाले अपने बनाए हुए सेफ्टी मसाले, ये हम फुल चिकन बेचते हैं 580 का और हाफ बेचते हैं 290 का। आप ये उठाओ मुँह में लगाओ। चलिए अब हम इसे टेस्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इनका टेस्ट कैसा है। और ये एक सबसे बड़ी अलग चीज मेरे को ये लगी कि ये तसले में सर्व होता है, काफी अलग है। ये असलम भाई की रेसिपी भी है, ये तसले में बना देगा। एक तरीके से ब्रांड लोगो है कि तसले में सर्व होगा आपको, ये आपको काफी अलग आपको एक्सपीरियंस मिलेगा यहाँ पे आके। ये ले लिया मैंने यहाँ पे ये बटर चिकन और आप देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट है और कितनी ज्यादा बटर की क्वांटिटी, ये एक्चुअल बटर चिकन बोलूंगी इसे कि सिर्फ नाम का बटर चिकन नहीं है, इसमें काफी अच्छी क्वांटिटी में बटर डाला हुआ है। ओ वाओ, मतलब जो मेरी स्माइल है ना खुद से आप पहचान गए होंगे, मैंने ऐसा टेस्ट बटर चिकन का कहीं और नहीं खाया। आई डोंट थिंक तो पूरी इंडिया में आपको ऐसा बटर चिकन खाने को मिलेगा। अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूँ, बहुत मतलब स्पाइसीनेस है, मीडियम स्पाइसी है, मतलब जिन्हें ज़्यादा स्पाइस खाना पसंद है वो भी खा सकते हैं, जिन्हें कम खाना पसंद है वो भी खा सकते हैं। स्लाइटली इसमें सॉर टेस्ट है, बहुत स्लाइटली, बट इसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ना, मतलब मज़ा ही आ गया, वो वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, वाकई में बहुत ही ज़्यादा। चलिए हम कबाब भी टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करेंगे चिकन कबाब के साथ। इवन चिकन कबाब का भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, वाकई में ऐसी नाम नहीं है। और जामा मस्जिद में अगर आप आएंगे और आपने यहाँ पे असलम जी में भी यहाँ पे चिकन नहीं खाया, तो मतलब आपकी जामा मस्जिद की ट्रिप अधूरी है, आपने जामा मस्जिद घुमाई नहीं है। एड्रेस जो है जामा मस्जिद नंबर 1 गेट बाजार मटिया में, असलम चिकन अलग ही दिख जाएगा। ये तो हमारा खानदानी चलता आ रहा है, मेरठ के हम रहने वाले, तो पूरा खानदान मेरठ में ही है, वहाँ से हमारे अब्बा आ गए थे 70 साल पहले, जब ये सब चीजें वो बना के यहाँ पर लगाया उन्होंने, दुकान लगाई, ठिया लगाया, सारे काम करे। मैं भी पहले ठिया लगाता था यहाँ पर, ये सब अल्लाह की देवी रहमत है, सब ऊपर तलक बना दिया अल्लाह ने। मेरी तरफ से यहाँ पे हाईली रिकमेंडेड है कि आपको यहाँ पे आके जरूर ट्राई करना चाहिए। और ओरिजिनल में अमूल मक्खन में
बनाता हूँ, कोई भी चेक कर ले, कोई भी वो आया था, कोई यहाँ पर धोखे धाकी नहीं है कुछ भी। इधर जो है मेरा भतीजा है बीच में बैठा हुआ, ये सारे मेरे घर के आदमी है काम करने वाले जो बैठे हुए, ये सब टीम जो है अपनी बहुत बढ़िया टीम है काम करने वाली चिकन बनाने वाली। एक एक शॉप और खोलना है आगे, एक दो महीने बाद दूसरी शॉप खोलने वाले हैं। एडवांस में मैं आपको बहुत विशेष देना चाहूंगी। हाँ शुक्रिया शुक्रिया। अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अब मैं मिलूंगी अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।